हे गाइस, वेलकम टू खुशी चौधरीज चैनल। और आज से हमारी इन्जॉयमेंट हो गई है शुरू, क्योंकि दीदी का है अब चतुर्थी सेलिब्रेशन। सो आप देख सकते हैं अभी हम लोग फुल एंजॉय के साथ डांस वांस कर रहे हैं। सो आज था चौथा दिन शादी का, यानी चतुर्थी। सो इस दिन मोहवक हुआ जीजा और दीदी का। देन उसके बाद जीजू मान नहीं रहे थे, तो भाभी ने स्मार्ट वॉच निकाल कर उनको गिफ्ट करी। और जीजू के मन में इतना लालच है कि वो देखो कैसे देख रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे दीदी ने लगाया जीजू को मुक्का और उल्टा उसी के हाथ में लग गया। दोबारा चांस मिला तेज ही मुक्का मारने का, लेकिन फिर फेल। तो ये था शादी का चौथे दिन का पूजा। चतुर्थी वाले दिन हमारे यहाँ पर पूजा होती है और इसी दिन फाइनल हमारी शादी होती है। तो यहाँ पर पंडित जी जीजा के हाथ से कंगन निकाल रहे थे और उसके बाद दीदी के हाथ से भी निकालेंगे। और पंडित जी यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं। सुबह 5 बजे से गाइस सारे उठे हुए हैं, क्योंकि ये पूजा सिर्फ सुबह सुबह होती है। और यहाँ पे हो रही है दोबारा दूसरी रस्म। यहाँ पे दीदी का भाई घूंघट उसके सर से हटाता है और जीजा जी को वापस डालना पड़ता है। ऐसा ही प्रोसेस 3 बार करना पड़ता है। और ये रस्म है गाइस, आपको हंसी भी आएगी पता है मुझे, लेकिन बहुत अच्छी रस्म है। सो फाइनली आज ये दोनों के दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। और ये मेरी माता श्री जो सिंदूर अपने पल्लू में ले रही हैं, जो भी गिर रहा है। सो गाइस, अब आता है एकदम फनी मोमेंट जो चतुर्थी वाले दिन होता है। दूल्हे के पापा, मम्मी, सास, मौसी ये सब बनकर दूल्हे को उल्टा गाली दिया जाता है। और आई नो कि ऑल बिहारीज जानते होंगे कि चतुर्थी वाले दिन तो कंपलसरी है ये काम। तो इस दिन हम लोग जीजा के पापा मौसी बनकर आए थे, जो ये डंडे पे दीदी लेके आई हैं। ये मेरी दीदी हैं गाइस, तो ये जो लेके आई डंडे पे ये जीजा की मौसी हैं। और सब इसी पे मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। पैर छूने के लिए जीजा को बोला जा रहा था कि पैर छूओ, ये आपकी मौसी है। लेकिन यहाँ पे पैर छूने नहीं होते थे, जीजू और दीदी ने पैर छू लिए तो सारे हंसने लग गए, क्योंकि एक डंडे पर साड़ी पहनाकर उसको मौसी बनाकर लाया गया था। तो ऑब्वियस है ना, ये फनी मोमेंट है तो सारे हंसेंगे ही हंसेंगे। चलो कोई नहीं, जो भी था मज़ा आया। सो नाउ इट्स माई टर्न। पहचानिए पहचानिए कौन है आप लोग। देखिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, सोचिए और समझिए कि मैं हूँ कौन। बाबूजी के लगाई पता है।
फूल पैर के दो दी तो गाइज आप अभी तक समझ ही गए होंगे मेरी एक्टिंग को देखकर कि मैं क्या बनी हूँ। तो मैं आपको बता ही देती हूँ गाइज कि मैं यहाँ पे जीजा जी के पापा बनी थी और मेरे बेटे ने मेरे से बिना पूछे शादी कर ली। ये ऐसा रोल नाटक का था। तो जीजा जी से मैंने पैसे लिए क्योंकि मुझे अपने बहू की मुंह दिखाई करनी थी। तो पहले तो मेरे बेटे ने मुझे 50 और 100 रुपये में अटकाना चाहा, लेकिन मैं भी बहुत तेज, मैंने 501 रुपये मांगे। तो मैंने 501 रुपये चढ़ाए अपनी बहू को मुँह दिखाई में। और उसके बाद सब ने मस्ती, खूब मस्ती करी, मेरी लुंगी वुंगी खींचने की कोशिश करी क्योंकि मैं उस टाइम पापा जी बन रखी थी। और गाइस सिर्फ नाटक में मैं इनके पापा जी हूँ, रियल में मैं इनकी साली हूँ। तो डोंट बी सीरियस कि मैं इनके पापा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे दिन का चतुर्थी ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है और फनी मौज मस्ती सब आज यहीं ख़त्म होती है क्योंकि कल है जीजू की विदाई एंड उसके बाद फिर घूमी घूमी के ब्लॉग्स डालूँगी मैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ गाइज, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको, अगर आपको ये पूरी वीडियो चतुर्थी की चाहिए तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो डाली। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तब मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।